हाय गाइस, प्रेज द लॉर्ड। चलिए आज मैं आप सबों को विजयगिरी डैम दिखाना चाहता हूँ। तो आज विजयगिरी डैम में फुल मस्ती करेंगे भाई लोग। तो विजयगिरी डैम किधर में है, तो आइए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए गाइस, और विजयगिरी डैम का पूरा मज़ा लीजिए। तो आइए आप सबको स्टेप बाय स्टेप मेरा वीडियो को फॉलो कीजिए, ताकि गाइस आप लोग जो कुछ मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ समझ पाओ। थैंक टैंक। चलिए स्टार्ट करते हैं। विजयगिरी डैम दिखाना चाहता हूँ गाइस। आप लोग देख रहे हैं कितना हरा भरा प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त है भाई लोग। उस एरिया भी पहाड़ है, इस एरिया भी पहाड़ है, और बीचों बीच में एक डैम है भाई। इस डैम में बड़े बड़े मछली, मगरमच्छ तो शायद नहीं मिलते हैं, बड़े बड़े मछली मिलते हैं, तरह तरह के जीव जंतु मिलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। काफ़ी लोग इसमें मछली वगैरह भी पकड़ लेते हैं, जाल उल से बिछा के लंबा जाल लगाते हैं। देखिए आप सबको मैं दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं दो बंदे पहाड़ के ऊपर में बैठे हैं, शायद आप भी लोग को नज़र आ रहा है। देखिए वो रेड 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 कलर का एक निकर पहना है भाई भाई लोग। आप देख सकते हैं कितना शानदार दृश्य है ये। आप देख सकते हैं ये जो इस ओर से पानी बहती है, जब इस डैम में, देखिए ये आपके सामने डैम है, इस डैम में पानी भर जाता है, तो यही एरिया जो ये एरिया देख रहे हैं, इधर इधर से पानी बहती है इसके ऊपर से, बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा दिखता है यार, बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। पानी इधर बहता है, फिर इस छोर से उस छोर की ओर जाती है पानी, बहुत ही शानदार और क्या बोलेंगे, बहुत सुंदरता नज़र आता है दिखने में क्या। बहुत सारे लोग तो सेल्फी के चक्कर में मोबाइल फ़ोन भी गिरा लेते हैं जब ऐसे पानी आती है। तो गैस बहुत ही ज़बरदस्त प्रकृति के सीन है, आप देख सकते हैं। यहाँ आओ आराम से पार्टी उटी के लिए आप इंजॉय कर सकते हैं, कुछ बाजा वजा लेकर काफ़ी यहाँ आराम से पिकनिक उकनिक का टाइम, जैसे कि बहुत सारे लोग जनवरी के महीनों में भी आते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं, पिकनिक उकनिक मनाते हैं यहाँ पर। देखिए और उस ये क्या बोलते हैं, ये आपका नहर हो गया भाई लोग, नहर के उस जस्ट उसके नीचे एक बहुत से उधर खेत खलियान है, बहुत अभी मकई बुना मकई लगाया गया है, धान बहुत सारे सब्जी वगैरह लगाया गया है, एकदम बहुत सुंदर ही सुंदर है। हमारे इस विजयगिरी डैम के सामने एक बहुत बड़ा स्कूल है गाइस, वहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं यार, बहुत ही अच्छी शिक्षा दी जाती है ऐसे लोगों को कहना है, क्योंकि हमने भी थोड़ा बहुत वहीं स्टडी किया है, अच्छा पढ़ाया जाता है। तो मैं आप सबको विजयगिरी डैम आज मैं पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगा, हर एरिया दिखाऊंगा, विजयगिरी डैम के बारे में आप सबको मैं विस्तार से बताऊंगा। ये विजयगिरी डैम अभी आप लोग देख रहे हैं, तो चलिए आप सब वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बने रहे, ताकि गैस जो कुछ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा ना आप लोग समझ पाओ। देखिए डैम का ऊपरी हिस्सा देख रहे हैं उधर, एकदम जो आपको बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है वो स्कूल हुआ, हाई स्कूल हुआ और मिडिल स्कूल जस्ट बगल में है, और जो चर्च भी दिख रहा है, चर्च वगैरह सब सामने ही पड़ता है गाइस लोग। वो देख रहे हैं वो सागवान से भरा एक पहाड़ है, यानी कि पहाड़ बोले तो ये डैम ना पहाड़ के बीचों बीच में स्थित है गाइस। इधर भी आपका पहाड़ हुआ, ये देख सकते हैं इधर भी पहाड़ हुआ, और जस्ट आप देख रहे हैं ये साइड में भी इधर भी पहाड़ हुआ, एकदम पहाड़ के बीचों बीच में विजयगिरी बसा हुआ है गाइस। बहुत ही मज़ा आता है यहाँ का प्राकृतिक ना, हमारा मन को लुभा लेता है, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा है। देखिए आपका डैम हुआ, देखिए कितना प्यारा से ये लोग इसको बिछाया है। अब सभी को मैं दिखा रहा हूँ, ये रोड है, ये आने जाने का रोड है, आप इसमें इजीली आ सकते हैं, गाड़ी उड़ी बड़ा दो चक्का चार चक्का जो भी आप ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर पार्किंग दे सकते हैं, पार्किंग देकर का इधर आमने सामने पार्टी उट्टी कर सकते हैं, पिकनिक वगैरह मना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही मज़ा आएगा। पानी वानी का कमी नहीं है गाइस यहाँ पर, आपको इजीली पानी पीने वगैरह सब कुछ का मिल जाएगा, बहुत ही फ्रेश बहुत ही ताज़ा तारू पानी रहता है वैसे तो। तो देखिए मैं और ही अगला की ओर
दिखाऊंगा। ये आपका गेट हुआ, इससे पानी बाहर की ओर जाती है, नहर की ओर जाती है। अगला में भी गेट है जो आप देख रहे हैं गाइस, उधर आगे आगे पहाड़ के सामने एक दिख रहा है, वो भी दो गेट है हमारे यहाँ इस डैम में, दो गेट हैं जिसके गेट के द्वारा पानी बहती है। और उधर क्या बोलते हैं, पहाड़ के सामने सामने दिख रहा है रेड रेड कलर का, वहाँ पर ही आपका क्या बोलते हैं, वहाँ रोड है आप मतलब उधर ये सरायकेला खरसों जाने। ये आप सभी देख रहे हैं कितना बहुत ही प्यारा ये पत्थर वगैरह बिछाया गया है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़बरदस्त, देखिए दिखने में क्या सुंदरता, बहुत अच्छा अच्छी तरह से बिछाया गया है। लगता है जिस ओर मैं आप सबको दिखाया उस ओर भी ढलाई किया हुआ इसी प्रकार बिछा करके, देखिए बहुत ही अच्छा है गाइस, लोग देखिए सुंदरता में क्या ज़बरदस्त सीन है। कभी आप देखना आना चाहेंगे तो भाई लोग आइएगा ज़रूर, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा है दृश्य। ये मैं गेट के सामने आ चुका हूँ, ये मेरे हिसाब से पानी नापने का बनाया हुआ है, क्या बनाया है आप सबको दिखाऊंगा, क्या चीज़ है, मीटर वगैरह लगा दिया है। देखिए डैम में कुछ लोग मछली वगैरह फंसा रहे हैं जाल से, फुल एंजॉय गाइस। देखिए ये हुआ विजयगिरी का डैम का दृश्य, ये आपका सामने में जो दिख रहा है वो आपका गेट हुआ, वो वही गेट से पानी आता है, और उधर आगे साइड में एक टू गेट है, दो गेट हैं, हम लोग यही रास्ता से ये दिख रहा है इसी से उतरते हैं चढ़ते हैं। नहाने में बहुत ही मज़ा आता है इस डैम में, एकदम ताज़ा तर शीतल शीतल पानी, बहुत ही मज़ा है और बहुत ही कूल रहता है पानी, ऐसी वैसी फैल है भाई इसके बारे उसके किया, क्योंकि ये प्रकृति का देन है भाई लोग। तो चलिए हम अब घर जाते हैं घर की, और फिर हम अपना ड्यूटी वगैरह जाएंगे, चढ़ते हैं फटाफट। इस प्रकार सीढ़ी बनाया गया है, यार आदमी को तो बोरिंग लग जाएगा सीढ़ी चढ़ने में, बट मैं तो चढ़ रहा हूँ, बोरिंग नहीं लग रहा है, आप लोगों के लिए चढ़ना पड़ता है भाई, सब लोगों को मनोरंजन भी तो कराना है। टंग ढड़ंग, हाँ यार लंबी सांस लेता हूँ एक बार, देखिए ऑलरेडी मैं चढ़ चुका हूँ गाइस, कैसे लगा, थैंक यू गाइस।